तो वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब CVS। CVS बोले तो कार्डियो, और वैस्कुलर मतलब लॉजिक। ये दो सिस्टम से मिलकर बना है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो कार्डियो और वैस्कुलर। कार्डियो मतलब इसमें हम पढ़ेंगे हार्ट, हार्ट के बारे में, और वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स। तो CVS या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑफ कार्डियो एंड वैस्कुलर, दैट मीन्स इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। तो इस सिस्टम को स्टार्ट अपन वन बाय वन करेंगे। पहले अपन हार्ट देखेंगे, हार्ट की फंक्शनिंग, हार्ट की स्ट्रक्चर, उसकी जो लेयर्स है उनकी एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, वो सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे ब्लड वेसल्स, दैट व्हाट आर द ब्रांचेज, हाउ द ब्लड वेसल्स आर स्प्रेडेड इन अवर बॉडी, ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर कवर करेंगे। ये जस्ट एज ए इंट्रोडक्टरी क्लास है इसकी, CVS की कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की इंट्रोडक्शन क्लास है ये। इसके साथ साथ अपन डायग्रामेटिक स्टडी भी इसमें करेंगे। आई विल ट्राई द बेस्ट टू गेट यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स एज इट इज टीच टू यू। मैं भी इसमें कुछ नया सीखने का प्रयास करूँगा, और मैं बार बार ये बोलता रहा हूँ कि अपना जो लाइव प्लेटफॉर्म है, इट इज़ नॉट फॉर द फाइनेंशियल पर्पज, इट इज़ टू हेल्प यू एंड टू इंक्रीज या इन टू बूस्ट माई नॉलेज ऑल्सो। तो आज अपन बात करेंगे हार्ट की, कि हार्ट की जो जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, और हार्ट के अंदर जो लेयर होती है उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या उनकी हिस्टोलॉजी होती है। तो हार्ट, हार्ट के बारे में क्या जानते हैं आप? हार्ट एक, पहली बात तो क्या है, वाइटल ऑर्गन है अपनी बॉडी का। अपनी बॉडी में वैसे पहले तीन वाइटल ऑर्गन होते थे, अब पांच हैं, उनमें से एक है हार्ट। दूसरी बात, हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है वो अपने को पता होनी चाहिए। अच्छा, दिख रहा है सबको? ओके, लोकेशन की अगर मैं बात करूं हार्ट की, तो लोकेशन जानने से पहले अपने को एक टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए, जिसका नाम है मीडियास्टिनम। ये वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, मीडिया और स्टिनम अलग अलग से। मीडिया मतलब मिडल, और स्टिनम मतलब स्टर्नम। तो मतलब ये स्टर्नम के बीच में होता है। कैसे कि अपन अगर यू माने कि ये बॉडी के अंदर स्टर्नम है और यहाँ पे ये लंग्स है दोनों साइड में, तो जस्ट इसके पीछे क्या होगा, वर्टिब्रा कॉलम होगा। अगर ये मीडिया, ये अपनी बॉडी का स्टर्नम है इस तरह से, तो ये रीढ़ की हड्डी है। ये देखिए आप, मैं इसको आपको यूँ घुमा के दिखा रहा हूँ, इस तरह से ये इस तरह से आ गया। तो यहाँ जो बीच की जो ये पार्ट है, यहाँ पर प्रेजेंट जो भी है, इस स्पेस को हम कह रहे हैं मीडियास्टिनम। तो ये दोनों लंग्स के बीच में भी है, और ये अगर इसको स्टर्नम मान लूँ और इसको वर्टिब्रा कॉलम मान लूँ, तो ये जगह क्या कहलाती है, मीडियास्टिनम कहलाती है। गॉट माई पॉइंट? ओके, तो बात कर रहे थे अपन इसकी लोकेशन की। तो लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात हार्ट के बारे में, कि अपन ने आज तक अंग्रेजी में यही पढ़ा है कि अपेक्स का मतलब क्या होता है, ऊपर, और बेस का मतलब होता है नीचे। पर इन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट दिस कंसेप्ट रिवर्स, मतलब ये कंसेप्ट जो है वो उल्टा हो जाता है। मैंने यहाँ लिख देता हूँ, ये था ऊपर और ये था नीचे। पर ये अगर हार्ट की मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये अगर मैंने हार्ट की अगर स्ट्रक्चर बना दी, तो इसके अंदर जो अपेक्स है वो क्या होगा, ये वाला अपेक्स होगा। इस पार्ट को हम अपेक्स कहेंगे। ये बहुत ही एक रोचक बात मान लो, चाहे कुछ भी कह दो इसको, ये एक इसमें एक अलग चीज़ है, और ये है इसका बेस। बेस जो है वो लेफ्ट एट्रियम के पास होगा, और अपेक्स जो है वो वेंट्रिकल के पास होगा। ये वेंट्रिकल के पास होगा। दूसरी बात, अपेक्स जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अच्छा, इंटरकोस्टल स्पेस कितने होते हैं बॉडी में? वेल, इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब रिब्स के बीच का जो गैप है उसको हम इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। आई होप यू नो अबाउट दैट। तो जो अपेक्स है वो तो पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में होगा, और बेस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा,
सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के बीच के अंदर। तो इस बात समझ में आई, लोकेशन कहाँ होती है इसकी, मेडियास्टिनम और अपेक्स प्रेजेंट होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड बेस इज प्रेजेंट एट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये इसकी लोकेशन हुई। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टेल मी द लोकेशन ऑफ हर्ट दैट वेयर द हर्ट इज सिचुएटेड, देन व्हाट विल द आंसर गो, इट इज सिचुएटेड एट मेडियास्टिनम एंड बिटवीन द सेकेंड एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल सरफेस, दिस विल बी द आंसर। ओके, अब अगर हम इसकी साइज की, इसकी वेट की अगर बात करें तो ये भी देख लेंगे। मेल के अंदर कहते हैं ना आदमी का जिगरा बड़ा होता है, वही बात है, मेल में ये होता है 300 ग्राम का और फीमेल में दिस इज अप्रोक्स 250 ग्राम। और इसकी अगर साइज की बात करें, साइज का इन द सेंस कि इसकी डायमेंशंस या इसकी बीमारी क्या क्या होगी, तो वो होगी 12 into 9 into 6 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ हाइट, ये इसकी साइज होगी। मेल में इसका वेट होता है 300 ग्राम, फीमेल में इसका होता है 250 ग्राम। ये था इसका साइज और इसकी कैपेसिटी जो भी है, इसकी वॉल्यूम वगैरह वो इसमें आ गई थी 12 into 9 into 6 जो मैंने यहाँ लिखा था, उसमें इसकी वॉल्यूम वॉल्यूम भी आएगी जो अपन आगे देखेंगे किस तरह से आती है। तो ये अपन ने देखा था कि हर्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, उसका साइज और शेप अपन ने देखा। शेप की मैं बात बता दूँ, शेप कैसी होती है इसकी, फिस्ट लाइक शेप होती है, क्लोज फिस्ट मतलब यूँ इस तरह से शेप होती है इसकी, जो अपन ने डायग्राम यहाँ बनाया भी था उसका। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो होगी इसकी हिस्टोलॉजिकल स्टडी। हिस्टोलॉजिकल स्टडी इन द सेंस कि अगर इस हार्ट को मैं डाइसेक्शनली अगर काट दूं तो अंडर माइक्रोस्कोप व्हाट आई विल ऑब्जर्व इज दैट, अपन क्या देखेंगे कि ये तीन लेयर का बना हुआ होता है। ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा, लेयर्स की फर्दर स्टडी अपन कल करेंगे। ये जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्टरी क्लास थी। तो हार्ट के अंदर तीन लेयर होती है, यस, कौन सी होती है बताओ, पेरिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम, तीसरी कौन सी होती है, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम इसका पार्ट होती है। ये तीन लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इन लेयर्स के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे इनकी, या नेक्स्ट क्लास में अपन इनकी फर्दर स्टडी करेंगे और इनके बारे में हम देखेंगे कि हर्ट के अंदर वॉल्व क्यों क्या प्रेजेंट होते हैं, हर्ट के चैम्बर्स की बात करेंगे, फिर हम सर्कुलेशन की बात करेंगे। ये टॉपिक अपन जो है इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कवर करेंगे अपन। उसके बाद में अपन कार्डियक आउटपुट की बात करेंगे, उसके बाद में अपन कुछ चैम्बर्स इंक्लूड हो गया, चैम्बर हो गया, वॉल्व हो गए, सर्कुलेशन हो गया, कार्डिक आउटपुट, ये मेनली यही चीज़ होती है इसके अंदर। एक आता है इसके अंदर कंडक्शन सिस्टम CS, उसकी हम बात करेंगे, और उसके बाद में अपन लास्ट में डील करेंगे हार्ट साउंड के साथ, और उसके बाद में कुछ डिजीज पोर्सन हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ये होने के बाद में अपन ब्लड वेसल्स को लेंगे, ब्लड वेसल्स में अपन बात करेंगे उसकी ब्रांचेस के बारे में, पूरी ब्लड सप्लाई के बारे में ऑल ओवर द बॉडी, और यहाँ ब्लड सप्लाई की डिस्कस करने के बाद में अपन नेक्स्ट जितने भी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें अपन ब्लड सप्लाई की बात कहीं भी नहीं करेंगे, क्योंकि सारी बॉडी की ब्लड सप्लाई जो है वो अपन इसी यूनिट के अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे। तो दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास रिलेट अबाउट CVS, आई होप यू विल गेट एज इट इज टॉट टू यू। थैंक यू, बी ट्यून, वी विल बी देयर वेरी सून। थैंक यू, हैव अ गुड डे।